मध्य प्रदेश के जनपद गुना में केंद्रीय गृह मंत्री सोमवार को पहुंचे, जहां चाचौड़ा में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों नेता अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ को और दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को। वहीं सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में सड़कें इतनी खराब थीं कि चलना मुश्किल होता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देरी से कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने आते ही अपना भाषण देना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वागत भी नहीं करवाया। के नाम पर ट्रेन चलाते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। क्षेत्र में शानदार रानी कमलावती। वहीं देश के गृह मंत्री जी ने कमलनाथ को करप्शन नाथ बताया और दिग्विजय सिंह को बंटाधार बताया। आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा में चुनाव होना है और 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आना है। मध्य प्रदेश में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। के नाम पर ट्रेन चलाते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। रानी कमलावती और टाटिया भील के नाम से रेलवे स्टेशन उनको पसंद नहीं आते। कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकती। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति का सम्मान। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं? मेरे आपको करबद्ध विनंती है कि एक बार मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाइए। आपका एक वोट दो काम करेगा। और मुझे बताओ भाई, बहुत सारे युवा हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।